अंदर उदयपुर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर संस्थान के बैनर तले हम सब ने एक मीटिंग रखी। 13 जून को हम सब मिलके सीएम साहब से मिले। हमने उदयपुर पूरा राजस्थान गाइड कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग करी थी सीएम साहब से। सीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि आप सब उदयपुर जयपुर आइए और जयपुर आके बैठ के बात करते हैं, अगर जायज मांग है तो आपकी पूरी की जाएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया कि हम सबको एक बैनर पे आना है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये करा कि राजस्थान गाइड कल्याण बोर्ड संघर्ष समिति की स्थापना की गई और उसी के तहत हम सब काम करेंगे। और हम नेक्स्ट हमारा विजन ये रहेगा कि सीएम साहब से हम समय लेंगे और उस समय के हिसाब से हम जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और पुष्कर और चित्तौड़गढ़, उन सबके गाइडों के जितने भी एसोसिएशन हैं उन सबके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर वार्तालाप करेंगे और उन सबको एक साथ हम मिलकर सीएम साहब से मिलेंगे और सीएम साहब से हमारी मांग रखी जाएगी। धन्यवाद। हमारा पर्यटन का काम है, देखिए हमारा सीजनल काम होता है और पिछले मेरे नॉलेज में तो पिछले 25-30 साल से लोग काम कर रहे हैं और सब अपना अपना काम पर, इसमें लाइफ सुरक्षित नहीं है। आज काम करें मतलब आज किया, कल का कोई भरोसा नहीं। तो सरकार से हम ये मांग करें कि हमारा कोई एक गाइड कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए ताकि हम सब गाइडों का भविष्य सुरक्षित रहे और उसके तहत हमें जो भी सरकार लाभ देना चाहे और जो भी हमारा एक काम होता है, आज कलेक्टर साहब के पास गए, कल एसपी साहब के पास गए, कल वहाँ गए, ये गए, तो एक कल्याण बोर्ड होगा तो एक प्लेटफॉर्म रहेगा और प्लेटफॉर्म में हमारी सबके मांग होगी, हमारा जो काम है, हमारा भविष्य सुरक्षित है, वेलफेयर होगा, तो कोई मेडिकल की सुविधा भी होगी। हो सकता है कि सरकार ये भी सोच ले कि हमें कोई पेंशन एक राशि दी जाए या कोई मान दे दिया जाए, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो आप सीएम साहब से मिले तो सीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सीएम साहब ने हमें ये कहा कि देखिए बोर्ड हमारे पास बने हुए है, अगर उचित होगा तो हम आपका बोर्ड के बनाने का विचार करेंगे, पर एक बार आपका प्रतिनिधि मंडल मिल के आप जयपुर आइए, बैठ के वहीं बात करेंगे, आपको चाय पानी की व्यवस्था वहीं होगी और आपको आश्वस्त किया जाएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम नारायण सालवी, मैं उदयपुर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर संस्थान का अध्यक्ष। और ये हमने एक संस्था इसलिए खड़ी की कि पिछले 25 साल से हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम गाइडों की समस्या कहाँ रखें, तो ये ताकि हमें उचित समस्या को हम अधिकारी के तहत, नेता के तहत, मंत्रालय में हम रख सके। थैंक यू, धन्यवाद।